दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास ये क्रोमा का टीवी आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसका प्रॉब्लम देख सकते हैं, खड़ी खड़ी लाइन है पूरे पूरे टीवी में, और दो पार्टीशन में पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, ये दो पार्टीशन में पिक्चर आ रहा है हमारा। पिक्चर लगा के आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए पिक्चर हमारा दो पार्टीशन में आ रहा है। ठीक है, और ये खड़ी खड़ी लाइन भी आ रही है, देख सकते हैं पूरे पूरे डिस्प्ले में आ रहा है ये हमारा। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम कैसे आता है, ये ज़्यादातर रिमोट से फॉर्मेट मारने पे या फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ही प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं डबल डबल आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखिए इसको सही करने के लिए रिमोट से सर्विस मेनू खोल के ही सही कर सकते हैं। आपका टीवी कौन से नंबर से खुलेगा वो आपको देख लेनी है। इसका तो मेनू 1147 है, ये क्रोमा का आता है सर्विस मेनू। तो चलिए पहले सर्विस मेनू खोलते हैं। देखिए हमने मेनू 1147 किया, खुल गया हमारा। देखिए सबसे पहले पैनल एडजस्ट में जाना है, सबसे पहले ओके करना है यहाँ पे। फिर ये सेकेंड नंबर जो है ना, ये देखिए ये सेकेंड नंबर पे ये टू नंबर लिखा होगा, इसको सिंगल कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो सेकेंड नंबर जो है ना, इसको टू है तो वन करना है सीधा। इसलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, वन करते हैं। देखिए देख सकते हैं दोस्तों, अभी पिक्चर भी क्लियर हो गया और सिंगल पिक्चर भी हो गया। पहले डबल आ रहा था, दो पार्टीशन में आ रहा था। चलिए तो सिंपल सा बैक कर लेते हैं, अभी देख सकते हैं पिक्चर हमारा एकदम क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।